सोलन के कोटला नाला में अवैज्ञानिक ढंग से प्लाट कटिंग का काम चल रहा था, जिसके चलते साथ लगते भवन में दरारें आ चुकी थी। पुलिस में शिकायत होने पर प्लाट कटिंग करवा रहे जमीन के मालिक के खिलाफ दो बार FIR दर्ज हो चुकी है। जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से जमीन मालिक को भविष्य में खुदाई न करने को कहा गया था, लेकिन कुछ दिन से वह लगातार खुदाई कर रहा था, जिसकी वजह से भवन के साथ लगाई रिटेनिंग वॉल बराबर कर गिर पड़ी है और साथ लगते भवन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और भवन मालिक को घर में न रहने की सलाह दी है। सोलन के कोटला नाला में अवैज्ञानिक ढंग से प्लांट कटिंग का काम चल रहा था, जिसके चलते साथ लगते भवन में दरारें आ चुकी थी। पुलिस में शिकायत होने पर प्लॉट कटिंग करवा रहे जमीन के मालिक के खिलाफ दो बार FIR दर्ज हो चुकी है। जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से जमीन मालिक को भविष्य में खुदाई ना करने को कहा गया था, लेकिन कुछ दिन से वह लगातार खुदाई कर रहा है, जिसकी वजह से भवन के साथ लगाई रिटेनिंग वॉल भरभरा पर गिर पड़ी और साथ लगते भवन को भी भारी नुकसान पहुंचा। फिलहाल भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और भवन मालिक को घर में न रहने की सलाह दी है। इस घटना पर नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि उनकी ओर से प्लॉट के मालिक को नोटिस जारी कर कटिंग को रोकने के लिए निर्देश दिए गए थे। यहां तक कि उन पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि इन सब के बाद भी प्लॉट का मालिक खुदाई करने से नहीं रुका, इसलिए अब जिला प्रशासन और पुलिस प्लॉट के मालिक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करेगा। जो हॉस्पिटल रोड के चौक के पास जो कटिंग हो रही है, उसके बारे में नगर परिषद ने समय समय पर काफी संज्ञान लिया है। उनको अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले ही नोटिस दिया जा चुके हैं और उन्हें काम को बंद करने का भी नोटिस दिया है। इसके बावजूद भी उन्होंने काम बंद नहीं किया, उनके खिलाफ पहले ही दो पुलिस रिपोर्टें दर्ज हो चुकी है और आज से आज मुझे पता चला है कि उन्होंने दोबारा कटिंग शुरू कर दी है और आने जाने वाले लोगों के जान और माल को खतरा है। इस विषय में पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है और उनके खिलाफ सख्त FIR को दर्ज किया जा रहा है और ताकि वो अपना इस प्रकार के गैरकानूनी कार्य करने की हरकत ना करें और सारी पुलिस और हमारा सारा प्रशासन मुस्तैद है कि किसी प्रकार का जान और माल का नुकसान ना हो।